मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों की संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था तथा श्रद्धालुओं को लाइन में लगवाकर बारी बारी से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए भेजा गया तथा जिन श्रद्धालुओं के पास मास्क नहीं था उनको मास्क का भी वितरण किया गया, जिसके संबंध में श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु गोरक्षनाथ गोरखपुर भिक्षा मांगने आए थे, जिसमें लोगों ने दाल चावल चढ़ाना शुरू किया तथा वह पात्र कभी भरता नहीं था, लेकिन आज ही के दिन वह पात्र भर गया। तब से लोग भगवान गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं तथा लोगों की मान्यता है कि खिचड़ी चढ़ाने से लोगों की मनोकामना पूरी होती है तथा सालों से मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। उन्होंने गोरखनाथ बाबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि संसार से कोरोना महामारी को जल्दी से खत्म करें, जिससे सभी लोग स्वस्थ रह सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आए श्रद्धालुओं ने कहा, वो तत्काल अपनी प्रार्थना करते आगे बढ़ते रहे। इस ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन का लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। आज सभी सनातन धर्म के हिंदू धर्म के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हम अपने नए अंग को पहले देवी देवताओं माता काली का दर्शन करें और भैरवनाथ जी का दर्शन करके बाहर निकल करके भी आप बगल में शीतला जी का दर्शन करें, भैरवनाथ जी का दर्शन करें। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। इसी रास्ते पे रोका गया इन्हें अभी। जैसे आगे का चप्पल मंदिर अपनी सेवा दे रहे हैं। आप मंदिर में हरित है माता पर खोपा उसी नगले भटके केंद्र पर बैठी हुई है। खोपा महाराज की चंद्र की रानी की कृष्ण भगवान की बाबा विश्वनाथ की बाबा विश्वनाथ सुनाए न होने पर जय 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 करें और एक तो जिंदगी मिलने शिव सागर चढ़ाते हैं। पर साल तो लॉकडाउन था, नहीं चढ़ा मिला था। इस बार आप चढ़ाने आए हैं, क्या महत्व है इस साल खिचड़ी चढ़ाने आए हैं? कितने सालों से आते हैं? 5 साल से।
धीरे धीरे क्या मान्यता है आगे बढ़ते रहे। अरे भाई बाबा से मांगते हैं जो मिलता है। राधे श्याम गिरहरी, हम करीब 10 साल से आते हैं, बाबा के चरणों में हमारी श्रद्धा है, जो हम सोचते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, इससे हम यहाँ पर बराबर आते हैं, सालों साल आते हैं। अभिषेक ठाकुर नाम है। 3 साल से नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे ही आते हैं। संजू मैम आए कितने सालों से आती है? आसो भर हम आई पहली बार आई। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। क्या मान्यता है इसकी, क्यों लोग आते हैं? ये बहुत नाम इसका चलता है, नाम बबीता चढ़ाने के लिए आई है। क्या मान्यता है? कितने सालों से आ रही है? हम पिछले 20 सालों से आ रहे हैं। क्या मान्यता क्यों आ जाता है यहाँ पे? क्या गोरखनाथ बाबा को मानते हैं इसलिए चढ़ाते हैं। अनन्या नाम है स्कूल का और घर का नाम है कुमकुम, निक नेम। आते हैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। खिचड़ी चढ़ाने क्या होता है, क्या 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 मिलता है बाबा से? पता है इसके बारे में? नहीं। मनसा यादव। यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाने के लिए आप लोग आए, क्या मान्यता है, कितने सालों से आ रही है आपको? हम लोग तो अभी पहले साल से आए हैं, लेकिन तब भी सोच रहे हैं जो मांग ले वो पूरा हो सकता है। यहाँ का भाई सुने हैं हम लोग सावित्रीपुर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं हम लोग कपिलवस्तु जिला से। तो यहाँ गोरखनाथ बाबा के खिचड़ी चढ़ाए के नया अनाज हम लोग के खाने चाहिए, कह के हमें खिचड़ी चढ़ाएगा मकर संक्रांति के पूर्ण अवसर। पांडे 10 साल से। क्या मान्यता है, क्यों आ जाता है? बहुत धार्मिक स्थान है मकर संक्रांति। 5-7 साल से। क्या मान्यता, क्यों चढ़ाया जाता है खिचड़ी बाबा के मंदिर में? चढ़ाने के कुछ कदर पूरा हो गया। मेरा नाम डॉक्टर सुश्रेया तिवारी है। यहाँ पे लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि गुरु गोरखनाथ भगवान जी आज ही के दिन प्रथम बार उन्होंने एक भिक्षा पात्र लेके यहाँ गोरखपुर में भिक्षा मांगना शुरू किया था, जिसमें लोगों ने दाल चावल चढ़ाना शुरू किया। वो पात्र कभी भरता नहीं था, परंतु आज ही के दिन वो पात्र भर गया, तो लोगों को ये समझ में आया कि भगवान को खिचड़ी प्रिय है, लोगों का ये मानना है। तो आज मकर संक्रांति के दिन लोग पूरी आस्था से हर्षोल्लास के साथ यहाँ खिचड़ी चढ़ाने आते हैं और हम सब खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं। मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पे बहू बन के आई हूँ। उस दिन से मैं भी सुबह 4 बजे महाराज जी की खिचड़ी चढ़ाने के बाद आरती के बाद नियमित रूप से खिचड़ी चढ़ाती हूँ। मैं आप सभी जनता वालों को निवेदन करती हूँ कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप त्यौहार मनाइए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और गुरु गोरखनाथ भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द ख़त्म करें। और मैं ये भी कामना करती हूँ कि इस बार पूर्ण बहुमत से हमारी योगी जी की सरकार पूर्ण बने। धन्यवाद।